हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग अटेंशन। इसका मतलब है, इसको ऐसे भी कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन। इसका मतलब है कि अटेंशन का अवधान का निर्धारक या फिर अवधान के कारक। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे टू पार्ट में है, मतलब कि टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो कि जो स्टिमुलस है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, जो दीपक है उसका नेचर कैसा है। और सेकंड है सब्जेक्टिव फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट टेस्ट टेंडेंसी एंड डिस्पोजिशन ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका इंटरेस्ट कैसा है, टेस्ट कैसा है, टेंडेंसी मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी है और उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो दो चीज़ दिया गया है, स्टिमुलस के बारे में और पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। ठीक है, दीज फैक्टर्स अंडर दीज टू कैटेगरीज मे बी डिस्कस फॉर। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है, इंटेंसिटी, ओके, साइज, रिपीटेशन, नॉवेल्टी, मोमेंट एंड सिस्टमेटिक फॉर्म, और एक कई सारे दो तीन हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कॉल्स फॉर अटेंशन, वेन स्टिमुलस बिकम्स इंटेंस अटेंशन बिकम्स कैप्चरिंग। जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है तो वो अटेंशन को अपने आप ही केंद्रित, मतलब ध्यान को केंद्रित करता है, और उसका जो तीव्रता है, ठीक है, स्टिमुलस का, वो अपने आप ही केंद्रित, मतलब ध्यान उस पर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ब्राइट लाइट और स्ट्रॉन्ग साउंड ड्रॉज इमीडिएट अटेंशन। जैसे कि तेज़ लाइट है तो उस पर वो अपने तरफ ध्यान अट्रैक्ट करेगा ही। और सेकंड, अगर टीचर की आवाज़ जो है स्ट्रांग है, पूरे बच्चों तक पहुंच रही है, तो अटेंशन प्रॉपर बच्चे का रहेगा। ओके, सेकंड है साइज, बिगनेस इन साइज वर्क्स एज अ ग्रेट स्टिमुलस इन दिस रिस्पेक्ट। ओके, इट इज़ नेचुरल दैट अ लार्ज ऑब्जेक्ट ड्रॉज अटेंशन मोर देन अ स्मॉल वन। सिंपल है कि जब स्टिमुलस की साइज़ बड़ी होगी तो वो अपने आप ही उसका जो ध्यान है अपनी तरफ खींचेगा ही। ठीक है, जैसे कि एक बहुत बड़ा इंसान है, कई सारे, मतलब भीड़ है कई सारे लोगों का ग्रुप में, और वहाँ पे एक सबसे बड़ा इंसान है खड़ा हुआ है, तो वो पहले से ही उस पर सबका ध्यान चला जाएगा। ठीक है, थर्ड वन है रिपीटेशन। ठीक है, मतलब कि स्टिमुलस की पुनरावृत्ति, बार बार एक, मतलब किसी स्टिमुलस की बार बार पुनरावृत्ति। अ स्टिमुलस गिवन रिपीटेडली अट्रैक्शन अटेंशन अट्रैक्ट्स अटेंशन, नॉकिंग द डोर रिपीटेडली और कॉलिंग ऑफ द मदर सेवरल टाइम्स ड्रॉज अटेंशन ईजिली। ओके, अगर कोई उद्दीपक बार बार प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे कि कोई बार बार दरवाजे को नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, तो किसी का भी उस पर अटेंशन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, या फिर टीचर ही, जैसे क्लास में बार बार टॉपिक को, अगर एक बार में बच्चे को नहीं पढ़ा समझ में आ रहा है, तो एक दो बार और मतलब रिपीट किया, दो तीन बार और रिपीट किया, फिर बच्चे का अटेंशन जाएगा ही और बच्चा उसे लर्न कर ही लेगा। ठीक है, फोर्थ है नॉवेल्टी, मीन्स नवीनता। ठीक है, एन अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट ड्रॉज और अटेंशन मोर देन फैमिलियर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं, अगर कोई हमें परिचित चीज़ें दिखती है तो हम उसे इग्नोर करते जाते हैं कि हाँ ये सब तो हमारा देखा हुआ चीज़ है, लेकिन अगर कोई जैसे अनफेमिलियर चीज़ दिख गई, तो जिससे जिसे हमने कभी नहीं देखा हो, तो फिर हम सरप्राइज हो ही जाते हैं कि ये एक नई चीज़ क्या है, तो उस पर हमारा जो अटेंशन है वो चला ही जाता है। ठीक है, इवन अ फैमिलियर ऑब्जेक्ट इन एन अनफेमिलियर सेटिंग ड्रॉज और अटेंशन, अनयूजुअल ड्रेस्ड पर्सन कैचेज एवरी बडीज अटेंशन। ओके, जैसे कि हम अपने ग्रुप में देख रहे हैं या कहीं और देख रहे हैं कि सबका तो नॉर्मल ड्रेस है, लेकिन एक पर्सन जो है उसने मतलब अजीब सा ड्रेस पहना हुआ है जो हमने कभी देखा ही नहीं हो, एकदम नया लग रहा है। ठीक है, तो ये फिर अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, या फिर क्लासरूम में जैसे टीचर डेली की डेली ऐसे बुक से पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब से अचानक से टीचर वीडियो दिखाएं, वीडियो के थ्रू पढ़ाएं, ठीक है, और या फिर नए नए एड्स के थ्रू पढ़ाएं, तो फिर वो क्या होगा, बच्चों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ मूवमेंट, एनी चेंज और मूवमेंट इन द सेटिंग ड्रॉ और अटेंशन। ओके, सो अगर स्टिमुलस में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी अपना, मतलब उस पर अटेंशन जाता ही जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लिकरिंग लाइट्स, मतलब जो कि लाइट टिमटिमाती रहती हैं, बहुत सारी लाइट जल रही हैं, लेकिन जो
टिम 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 करता हुआ, जैसे कि होती है ना शादी वादी में लगाते हैं, तो उस पे ज़्यादा ध्यान जाता है, रंग अलग अलग कलरफुल में वो टिम टिम आता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक अलग सी हलचल होती रहती है, मोमेंट होता रहता है, तो इसलिए उस पे अटेंशन ज़्यादा जाता है। या फिर जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक गाड़ी चलेगी, अगर कोई चला के जा रहा है तो फटाक से सबका अटेंशन उस पर जाएगा कि कोई गाड़ी लेके जा रहा है, मतलब चलती हुई चीज़ पे जो स्टॉप है उस पर एक बार कम अटेंशन जाएगा, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है जिस चीज़ पर उस पर अटेंशन ज़्यादा जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिस्टमेटिक फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विद सिस्टमेटिक शेप एंड क्लियर एंड आउटलाइन ड्रॉ मोर अटेंशन देन द ऑब्जेक्ट विद इनडिस्टिंक्ट एंड इनडिफिनिट फॉर्म्स। ओके, कि जब कोई चीज़ सिस्टमेटिक फॉर्म में है, एकदम सिस्टमेटिक वेल मस्त, मतलब अच्छा लग रहा है, कि जैसे कि लाइब्रेरी में गए, चारों तरफ से बुक एकदम अच्छे से डेकोरेट की गई हुई है, तो कोई भी बच्चा जाएगा तो वहाँ पे उसका पढ़ने का मन करेगा, बैठने का मन करेगा। और अगर कुछ सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है तो वो चीज़ें किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करती अपनी तरफ, ठीक है। तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अस्पष्ट, मतलब जो क्लियर नहीं है, अच्छे से नहीं है फॉर्म में, तो फिर उस पर किसी का वो अपने अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डेकोरेशन ऑफ लाइट्स इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ पर्टिकुलर डिज़ाइन बिकम मोर अट्रैक्टिव। जैसे सिस्टमेटिक तरीके से फ्लावर को सजाया गया है, या फिर किसी फॉर्म में एलिफेंट, या फिर किसी शेप किसी को दिया गया है सिस्टमेटिक तरीके से, या फिर अपना घर देखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से कितने अच्छे से डेकोरेट किया रहता है, तो फिर वो अटेंशन वहाँ पर अपने आप ही चला जाता है और अट्रैक्ट होता है कोई भी। इस बुक में इतना ही दिया है, लेकिन और एक्स्ट्रा है, जैसे कि चेंज स्टिमुलस में, चेंज अ चेंज इन आवर एनवायरनमेंट ड्रॉज आवर अटेंशन क्विकली। कोई भी चेंज होता है स्टिमुलस में बार बार, तो फिर वो भी हमारा मतलब अटेंशन क्विकली ड्रॉज अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे अ शो पीस प्लेस्ड इन अ न्यू प्लेस, अ रेडियो प्लेइंग अ सॉन्ग स्टॉप्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर ड्रॉज आवर अटेंशन। ओके, इसका मतलब है जैसे कोई घर में शो पीस रखा हुआ है रोज़ एक ही जगह पे, अचानक से उसे कहीं दूसरी जगह पे अगर रख दिया गया तो फिर वो मतलब अपनी तरफ ध्यान खींचेगा कि यहाँ यही रहता था डेली शो पीस, कहाँ गया। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा एग्जांपल, कि आप रेडियो पे गाने सुन रहे हैं और अचानक से आप गाने सुनने में मगन है, लेकिन अचानक से लाइट चली जाती है और रेडियो का गाना स्टॉप हो जाता है, तो भी आपका अटेंशन वो मतलब कि चेंज होने की वजह से स्टिमुलस में आपका जो अटेंशन है वो उस पर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैरिटी, एन ऑब्जेक्ट और साउंड विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड क्लियरली ड्रॉज आवर अटेंशन देन द स्टिमुली विच आर नॉट क्लियर। ओके, जैसे कि आवाज़ क्लियरली आ रही है किसी टीचर की सपोज़ क्लास में, तो बच्चे का ध्यान खींचेगा अच्छे से। अगर क्लियर नहीं आ रही है तो फिर आवाज़ मतलब क्लियरिटी नहीं रहेगी आवाज़ में, तो फिर बच्चे का अटेंशन उस पर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग नाइट टाइम्स स्टार्स एंड प्लैनेट्स विच आर सीन क्लियरली ड्रॉ आवर अटेंशन। इसका मतलब एक एग्जांपल इसका ऐसे भी हो सकता है कि अगर रात में आप देखेंगे तो एकदम रात के टाइम एकदम पूरा क्लियर रहता है जो आसमान है, और उसमें आप जो स्टार्स हैं और कई सारे प्लैनेट्स हैं जो हम आँखों से देख सकते हैं, जो मिल्की वे रहता है काफ़ी दूर में, वो भी काफ़ी हद तक दिखाई देता है, कई सारे उसमें हमें प्लैनेट्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ा धुंधी दिखता है बट दिखता है। अब आपका चलते हैं सेकंड में, जो आंतरिक फैक्टर्स है, ठीक है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। तो सब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्या क्या हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, इमोशंस हैं, इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रेस्ट है, कलर्स है, ठीक है, हैबिट्स, मोटिव्स, ट्रेनिंग, ओके, कई सारी चीज़ें हैं, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें मतलब एक पर्सन में, ये सारी चीज़ें एक पर्सन में रहती हैं, तो वो एक किसी स्टिमुलस के प्रति अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये उसका आंतरिक है, ठीक है। इंस्टिंक्ट्स मीन्स क्या होता है, एनीथिंग दैट सूट्स फॉर और अपील्स द इंस्टिंक्ट और द इंडिविजुअल इज़ एप्ट टू ड्रॉ मोर अटेंशन देन दी अदर। ओके, जैसे कोई भी सहज रूप से कुछ क्रियाकलाप कोई करता है और वो सहजता से किसी का भी अटेंशन ड्रॉ कर सके, अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ मटेरियल्स रैंगिंग फ्रॉम टूथपेस्ट और रेडियो और टीवी सेट्स आर मेड विद पिक्चर्स ऑफ ग्लैमर्स गर्ल्स और स्मार्ट यंग मैन इन अट्रैक्टिव गारमेंट्स एंड पोजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं कि ऐसा वो सेल्स प्रमोशन के लिए ऐसे मतलब कि इतनी इजीली
सब लोग अट्रैक्ट हो सके और उसका प्रोडक्ट खरीद सके, इसलिए क्या करते हैं कि उसमें ग्लैमर दिखाते हैं, जैसे ग्लैमरस लड़की हो गई और एक यंग मैन हो गया, ठीक है, वो उनको अट्रैक्टिव गारमेंट कपड़े पहनाते हैं कि सब नॉर्मल है, ताकि सहज रूप से आजकल सब ये सब चीज़ें देख के जल्दी ही अट्रैक्ट हो जाता है किसी भी सेल्स प्रमोशन के लिए, ये इम्पॉर्टेंट हो गया अभी आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये सब सब लोगों को ही अट्रैक्ट करता है, किसी भी मतलब उम्र के बच्चे हों या कोई भी हो, एडल्ट हों, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर ड्राइंग और अटेंशन। इमोशन भी क्या होते हैं, एक व्यक्ति इमोशनली भी किसी स्टिमुलस की तरफ अट्रैक्ट अटेंशन उसका जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी आर एग्रीव्ड एंड सैड, इवन द स्वीटेस्ट म्यूजिक मे नॉट अट्रैक्ट आवर अटेंशन, और इन जॉयफुल मूड आवर हार्ट मे डांस टू द ट्यून ऑफ एन ऑर्डिनरी म्यूजिक। जब हम दुखी होते हैं या सैड होते हैं, ठीक है, तो फिर हमें कोई भी स्वीटेस्ट म्यूजिक अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हम उस टाइम उसका इमोशन जो है, जो इसका स्टिमुलस है, वो इमोशन है, वो गुस्सा में है या टेंशन में है या सैड है, जो भी है, तो उसका स्टिमुलस को ये सारी चीज़ें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। या फिर जब कोई एंग्री होता है, गुस्से में होता है, तो फिर छोटे से उसके बच्चे के भी छोटी से छोटी गलतियाँ पे भी वो क्रोधित हो जाता है, ओके। सो उसका मूड मतलब कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसका यहाँ पे जो इमोशन है वो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे हम जंगल में जाते हैं तो जैसे मूवी देखते हैं, थोड़ा सा पत्तियाँ भी हिलती हैं या फिर कुछ आवाज़ आती है, तुरंत डर जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इमोशन हमारा जो स्टिमुलस है, इमोशन है वो है, ठीक है। और इसको ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी तरफ नहीं कर पाती, पूरा का पूरा ध्यान इमोशन पे है, मतलब स्टिमुलस पे है। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट। जब किसी पर्सन का इंटरेस्ट रहता है तो भी पर्सन का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींचता ही है। जैसे कोई पर्सन मार्केट जा रहा है और उसके फेवरेट सिंगर का गाना बज रहा है, तो उसका ध्यान उस पर चला ही जाएगा, ठीक है। या फिर कोई स्पोर्ट पर्सन है, वो जैसे उसका ध्यान तुरंत ही, जैसे कि अगर चल रहा है रास्ते में और क्रिकेट देख रहा है, कहीं क्रिकेट चालू हो गया तो वो तुरंत वहीं पे देखने लगता है, उसका इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिट्स। हैबिट्स भी मेन इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है किसी पर्सन का, ठीक है। और अटेंशन इज़ डाइवर्टेड ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द थिंग्स टू विच वी आर हैबिचुएटेड, ठीक है। एग्जाम्पल, अटेंशन ऑफ अ नर्स इज़ ऑटोमेटिकली डाइवर्टेड टुवर्ड्स अ सीरियस पेशेंट। हैबिट्स क्या है, आदत, मतलब कि अगर जैसे कि कोई किसी की आदत है, किसी पर्सन की आदत है, सपोज़ कि बहुत लोगों की आदत होती है कि स्मोकिंग करना, तो उन्हें जैसे ही उनका स्मोकिंग का टाइम होता है, उन्हें तुरंत याद आ जाता है और तुरंत वो स्मोकिंग के लिए, जैसे सिगरेट हुआ या फिर कुछ भी हुआ, ओके, तो उनका तुरंत उनका हैबिट रहता है वो, कि उन्हें टाइम टाइम पे वो चाहिए, ठीक है। और जैसे कि एक अटेंशन ऐसे ऐसे कि जैसे नर्स है, ठीक है, और कोई सीरियस पेशेंट है, तो इतने सारे पेशेंट पे उसका उसकी उसका जो अटेंशन है फटाक से उसका किधर जाएगा, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, ठीक है, वहाँ पे वो जाएगी अपनी सर्विस के लिए, देने के लिए, ठीक है। मोटिव्स मेन इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। मोटिव्स आर पावरफुल फोर्सेस विच मेक्स अस टू डाइवर्ट आवर अटेंशन। मोटिव्स क्या है, मतलब कि जो उसे अंदर से फोर्स करे, ठीक है, एक पावरफुल फोर्स है कि जो उसे अंदर से किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित करे, किसी भी अटेंशन पे अपना माइंड अटेंशन करने के लिए प्रेरित करे। एग्जांपल, जैसे कि अ होटल विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ हंग्री पर्सन। देखिए कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत भूखा है, तो रास्ते में अगर जा रहा है तो उसे सबसे पहले ढाबा, होटल, यही सब दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसे भूख लगी है, उसे उसकी नीड है, ठीक है। आई थिंक इतने पॉइंट्स दोनों मतलब सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव दोनों में इनफ है, बट अगर आपको और चाहिए तो आप ऑब्जेक्टिव में और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट हुआ, कलर्स हुआ। कॉन्ट्रास्ट मीन्स जैसे कि एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ स्ट्रिंगली डिफरेंट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड ड्रॉज अर अटेंशन। एग्जाम्पल, अ ब्लैक स्पॉट ऑन अ वाइट शर्ट। जैसे कि अगर कोई एकदम से विरोधी मतलब विरोधाभास प्रकट करता हो किसी भी स्टिमुलस पे, ठीक है, कि जैसे एकदम वाइट शर्ट है उस पर एक ब्लैक स्पॉट हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एकदम से कॉन्ट्रास्ट में रहेगा, एकदम विरोधाभास रहेगा उसका, ठीक है, तो भी किसी का अटेंशन जाएगा ही, ओके। नेक्स्ट रहेगा कलर्स। कलरफुल ऑब्जेक्ट ड्रॉ अटेंशन इजिली देन ब्लैक और वाइट ऑब्जेक्ट।
सिंपल सी बात है कि जैसे देख लीजिए कि हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता था, जैसे ही कलर टीवी आया कितना उस पर, किसी के पास अगर कलर टीवी रहता था तो ज़्यादा हमारा फोकस ऐसा रहता था कि हाँ कलर टीवी ही देखिए, वाइट टीवी ब्लैक एंड वाइट टीवी के जिसका रहता था हम जाते ही नहीं थे, या फिर हमारे घर ही रहता था तो हमें पसंद नहीं आता था, जिसका रंगीन टीवी रहता था हम वहीं पर जाते थे देखने, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है और अटेंटिव भी, उस पर ज़्यादा अटेंशन जाता है। ठीक है, बच्चे भी ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें नई नई चीज़ों से कलरफुल एड्स और कलरफुल चार्ट्स इसके थ्रू अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो उन्हें ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। इसी तरीके से आप सब्जेक्टिव में भी और कई सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्यूरियोसिटी हो गया आपका, नीड हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एटीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें आप सब्जेक्टिव में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर क्यूरियोसिटी है किसी सब ऑब्जेक्ट में उसे क्यूरियोसिटी है तो उस पर उसका अटेंशन जाएगा ही जाएगा कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्यूरियोसिटी है तो उसका उस स्टिमुलस पे ज़्यादा अटेंशन जाएगा। जैसे कि ट्रेनिंग अगर किसी ने लिया हुआ है किसी एक स्पेशल फील्ड में, अगर किसी ने ट्रेनिंग लिया हुआ है तो उसका उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, कहीं भी उसे दिखेगा तो उसका फटाक से उस पर ध्यान जाएगा। नीड है जिसे जिस चीज़ की तो उस पर उसका तो अगर किसी चीज़ की उसे ज़रूरत है तो उस पर उसका ध्यान जाएगा ही। तो ये सारी चीज़ें आप सब्जेक्टिव में ऐड कर सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट और कलर्स आप ऑब्जेक्टिव में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।